हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैनेडिया में। चंडीगढ़ की जो प्राइमरी टीचर की भर्ती निकली थी उसका एग्ज़ाम होना है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर जो समग्रा शिक्षा चंडीगढ़ है, इसके अंदर टीचर की वैकेंसी निकली थी जो जेबीटी टीचर की थी, उसकी टोटल पोस्ट थी 418। उसका अभी एग्ज़ाम होना है 27 तारीख को। जिन दोस्तों ने रोल नंबर डाउनलोड नहीं किया है वो रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ था, इसके अंदर इसके सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में है, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ टोटल मार्क्स ओबिडेंट इन द ऑब्जेक्टिव। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ टोटल 150 नंबरों का आपका पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन भी 150 होंगे और पर क्वेश्चन है जो एक नंबर का होगा, यानी टोटल मार्क्स भी 150 ही होंगे। और इसका जो टाइम है वो होगा 2 घंटे और 30 मिनट का। तो इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल अवेयरनेस है उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे सारे। इसके बाद में जो रीजनिंग है उसके भी 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में नंबरिकल एबिलिटी, इसके भी 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में टीचिंग के, इसके रिलेटेड भी 15 क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT, इसके भी 15 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें पंजाबी लैंग्वेज है उसके 10 क्वेश्चन हैं, और जो हिंदी लैंग्वेज है उसके 10 क्वेश्चन हैं, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 10 क्वेश्चन हैं, और जो मैथमेटिक्स है उसके 15 क्वेश्चन हैं, और जो जनरल साइंस है उसके 15 क्वेश्चन हैं, और सोशल साइंस है इसके 15 क्वेश्चन हैं। ये टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन बनते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे सारे इसी के सिलेबस के अनुसार, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाला गया है। और इसका जो मार्क्स है वो पर क्वेश्चन एक नंबर का है, 150 मार्क्स इसके अंदर दिए होंगे। तो आपने अगर रोल नंबर डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, रोल नंबर डाउनलोड करने के लिए आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट है 202.143.99.146@NITTRJBT। तो आपको ये वेबसाइट का लिंक है, यह रोल नंबर डाउनलोड करने का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप डायरेक्ट जो रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। इसके डालते ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड, जो एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है। तो एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो ये है रोल नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है ई एडमिट कार्ड प्रोविजनल सब्जेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी अंडर समग्रा शिक्षा चंडीगढ़ JBT के लिए। तो यहाँ पे आपका जो है रोल नंबर दिया होगा, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम का तारीख दिया होगा, यहाँ पे आपके सेंटर का नाम दिया होगा, यहाँ पर आपकी फ़ोटो दी होगी, और यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर दिया होगा, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ दी होगी। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है, point 1, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एडमिट कार्ड। आपको जो एडमिट कार्ड है ये एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है, इसके बगैर एंट्री नहीं है। सेकेंड, इसमें दिया हुआ है कि आपको ID प्रूफ, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक वैलिड ID, ओरिजिनल ID आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर लेकर जाना है। इसके अंदर मोबाइल और घड़ी और ब्लूटूथ है, वो आप इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, ये सेंटर से बाहर ही इसको रखना होता है। तो ये सारे इसमें दिया है, देर इज नो, यहाँ पे जो बैग और मोबाइल और वॉच रखने का जो है सेंटर के अंदर कोई वो सुविधा नहीं है, आपको ये बाहर ही रखना होता है दोस्तों। तो इसकी जो भी आंसर क्या आएगी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो लगाना है एग्ज़ाम सेंटर में ले जाने से पहले एडमिट कार्ड पे, और जो इसका एग्ज़ाम होगा इसके बाद में जैसे ही आंसर की आएगी हम अपने जो चैनल है यूट्यूब पे इस पर अपलोड करेंगे उसको। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक करें, उसके बाद जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें,